सब्सक्राइब करें श्री बुटीक को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें। नमस्कार दोस्तों, श्री बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको पोटली बटन किस तरीके से बनाए जाते हैं। एक होते हैं सिंगल पोटली बटन, एक होते हैं पोटली बटन पाइपिंग वाले। जो पाइपिंग वाले किस तरीके से बनाए जाते हैं और सिंगल पोटली बटन किस तरीके से बनाए जाते हैं, तो दोनों बना के मैं आज आपको दिखाऊंगा कि किस किस तरीके से हम पोटली बटन तैयार कर सकते हैं। तो पोटली बटन तैयार करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। अगर हमें पाइपिंग वाला पोटली बटन बनाना होता है तो हमें डबल सेड का कपड़ा चाहिए होता है। यहाँ पे मैंने डबल सेड का लिया हुआ है, एक हमारे पास ब्राउन कलर का है और एक ये लाइट कलर का, येलो कलर का है। तो इनके दोनों का कम्बिनेशन डाल के हम पाइपिंग वाले बटन तैयार करेंगे। और एक इसके लिए ली हुई है मैंने रुई, एक ये मैंने रुई ली हुई है जो कि हमें पोटली बटन बनाने में हमारे काम आती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमारे पास ये कपड़ा है हमें इसकी एक रेब की पट्टी कटिंग कर लेनी है, ये वाली इस तरीके से 1.5 इंच चौड़ाई वाली, और इसकी हम बारीक डोरी बनाएंगे। ये मैंने वो रेब वाली पट्टी कटिंग की हुई है, इसकी चौड़ाई तकरीबन 1.5 इंच की है। इसको हम इस प्रकार से डबल फोल्ड करते हैं और यहाँ पर हम एक डोरी पलटने के लिए सिलाई लगाते हैं। इस सिलाई की चौड़ाई तकरीबन आधा पैर की होनी चाहिए, जो हमारा ये फुट है आधे फुट की होनी चाहिए। इस प्रकार की इतनी चौड़ाई से हमने यहाँ पे ये सिलाई लगानी है। पूरी पट्टी में हम इस प्रकार से सिलाई अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसका हम बराबर मार्जिन रखते हुए हल्का हल्का मार्जिन कट कर लेते हैं ताकि कहीं से कम ज़्यादा हो तो ये बराबर हमारी डोरी रहे। कई बार ऐसा होता है कहीं से चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है, कहीं से कम, तो डोरी बारीक और मोटी बन जाती है, कहीं से बारीक कहीं से मोटी, तो उस डोरी हमारी अच्छी नहीं लगती। इस प्रकार से हमने ये सिलाई लगा ली है। अब एक हम निडल लेंगे इस प्रकार से, ये मैंने सुई ली हुई है, इसमें हम नीचे की साइड एक जगह गांठ लगा लेते हैं धागे में। अब हम जो हमने जैसे सिलाई लगाई हुई है इसके बीच वाला जो हिस्सा होता है यहाँ पे, इस तरीके से डोरी सुई को इस तरीके से निकाल लेंगे और यहाँ पे फिर दोबारा से इस प्रकार से निकाल लेंगे बीच में से, जो डोरी का मुंह होता है, जो हमारा ये सिलाई वाला मुंह होता है, इसमें से इस प्रकार निकालते हुए हम यहाँ पे पक्का कर लेते हैं ताकि धागा ये हमारा निकले ना। फिर हम उल्टी साइड से, जो हमारी उल्टी साइड है ये निडल की, इस साइड से यहाँ पे इस प्रकार से इसको डालेंगे और दूसरी साइड निकाल लेंगे। इसमें दोस्तों आपको तीनों चीज़ पता लग जाएंगी, डोरी बनाना कैसे बनाते हैं, पोटली बटन कैसे बनाते हैं और पाइपिंग वाले पोटली बटन किस तरीके से बनाते हैं, तीनों चीज़ें इसमें आपको समझ में आ जाएंगी अच्छे से। इस प्रकार हमने यहाँ पे ये धागा निकाल लिया है। अब इस धागे को हम कहीं पे भी इस तरीके से सेट कर लेते हैं, इस प्रकार से किसी भी चीज़ में बांध लेते हैं। जब हमारा धागा इस प्रकार टाइट हो जाएगा तो हम एक साइड से इसको इस तरीके से हल्का सा अंदर की साइड लेंगे और यहाँ पे बहुत ही हल्के हल्के तरीके से इस धागे को टाइट करते जाएंगे। जब हमारा ये धागा खींचता जाएगा तो हमारा जो ये मुंह है अंदर की साइड डोरी में, जो ये हमने सिलाई लगाई है इसमें अंदर की साइड आता चला जाएगा। इस प्रकार से, इस तरीके से दोस्तों, यहाँ पे आपको इसको हल्का हल्का ऐसे गोलाई करते रहना है और इसको इस प्रकार चलाते जाना है।
डोरी को हम दूसरी साइड इस तरीके से निकाल लेते हैं, इस प्रकार से। अब इसको इस तरीके से खींचते जाएंगे तो हमारी डोरी इस प्रकार से तैयार होती जाती है, इस तरीके से। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे बारीक डोरी अपनी तैयार कर ली है। ये हमारी डोरी यहाँ पे बारीक डोरी और बहुत ही सुंदर तरीके से ये तैयार हुई है। अब हम देखेंगे कि आगे का हम किस तरीके से पोटली बटन बनाएंगे और किस तरीके से डोरी वाले पोटली बटन बनाएंगे। हमने यहाँ पे ये कपड़ा लेना है इस प्रकार से। इस कपड़े में हम यहाँ पे एक रुई का टुकड़ा लेते हैं, इतना हल्का, जितनी मोटाई वाले आपने बटन बनाने हो, और इस प्रकार से इसको हम गोल कर लेते हैं। ज्यादा इसको आपने दबाना नहीं है, सिर्फ गोल करना है। कई बार क्या करते हैं कि इसको बिल्कुल ठोस कर लेते हैं हम। ठोस करने के बाद हम जब इसको अटैच करते हैं यहाँ पे किसी भी सिलाई से, तो फिर यहाँ पे हमारा या तो कपड़ा कट जाएगा, या कपड़ा नहीं कटता तो हमारे लगाने में दिक्कत आती है। ये थोड़ा इस तरीके से होना चाहिए कि जब हम इसको फुट के नीचे रखेंगे तो ये दब जाए, इस प्रकार से इसमें फ्लेक्स, जिसको ये बोलते हैं कि ये थोड़ा दबना इस प्रकार से चाहिए ताकि अच्छे से हमारी सिलाई लग जाए। यहाँ पे रखेंगे इसको किसी भी कोने में, हल्का हल्का दोनों साइड मार्जिन छोड़ते हुए, और यहाँ पे इस प्रकार से हम इसको हल्का सा गोल कर लेते हैं ऐसे। और यहाँ पे भी हम इसको चेक करते हैं कि ये हल्का सा दबना चाहिए हमारा, ठोस नहीं होना चाहिए। अब हम एक धागा लेंगे और उस धागे को इस प्रकार से यहाँ पे लपेट देंगे, टाइट करते हुए लपेटेंगे। फिर हल्का गैप लेंगे, फिर हल्का गैप लेते हुए फिर से इस प्रकार से लपेट देंगे। अब जो दूसरी साइड है हमारी धागे की, इसको भी हम यहाँ पे इस प्रकार से लपेट देते हैं ताकि नीचे वाला धागा हमारा लूज ना हो। फिर इसको हम इस प्रकार से तोड़ देते हैं या काट देते हैं, और हल्का मार्जिन रखते हुए इस तरीके से यहाँ पे ये हमारा पोटली बटन, जो सिंगल पोटली बटन जिसको बोलते हैं, वो तैयार हो जाता है। मैं आपको तीन पोटली बटन इसी तरीके के बना के दिखाऊंगा। फिर से हम एक रुई लेंगे। रुई का आपको आइडिया होना चाहिए कि आपने पहले पोटली बटन में कितनी ली है, या आप छोटे छोटे पीस जितने आपने पोटली बटन बनाने हैं, जैसे एक ये बनाया, एक ये लिया है, फिर इतना ही लेके रख लो साइड में इस प्रकार से, फिर इतना ही लेके रख लो इस प्रकार से, आप बराबर हिस्सों में इनको कर लो ताकि कोई पोटली बटन हमारा बड़ा छोटा ना हो। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे इसको गोल करना है। जब हल्की सी गोलाई आ जाएगी, फिर हम यहाँ पे कपड़े के सेंटर में इस तरीके से रखते हैं जिसमें चारों साइड हमारा थोड़ा थोड़ा मार्जिन हो, तकरीबन 1 से 1.5 इंच का। यहाँ पे इस प्रकार से पलटेंगे इसको, और जो सीधी साइड होगी यहाँ पे हम इस प्रकार से हल्का सा गोलाई गोल कर लेते हैं इसको, ताकि ये हमारा पोटली बटन बिल्कुल सही रहे। अब हम धागा लेंगे, धागे से इसको एक बार फिर से इस तरीके से टाइट करेंगे, हल्का सा गैप रखते हुए फिर से धागा टाइट करेंगे। और यहाँ पे जो हमारा दूसरी साइड का धागा बचता है, इसको फिर से यहाँ पे इस तरीके से टाइट करते हुए तोड़ देते हैं। अब बराबर गैप रखते हुए जितना पहले पोटली बटन में रखा है हम कट करेंगे। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पे दूसरा पोटली बटन भी तैयार हो जाता है। अब हम एक पोटली बटन, जैसे मैंने बताया है, आपको तीन तैयार करके दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पे हम इस प्रकार से रुई लेते हैं, अगर रुई कई बार ज़्यादा ली जाए तो उसको आप कम कर लें इस प्रकार। और यहाँ पे हम इस तरीके से इसको गोल कर लेते हैं। जब हमारी रुई गोल हो जाती है तो हम कपड़े के किसी भी कोने में सेंटर में इस प्रकार रखते हुए इसको यहाँ पे इस प्रकार से गोल करेंगे। और यहाँ पे भी अगर आपको ये लगता है कि हमारा पोटली बटन थोड़ा इन जो हमने पहले बनाए हैं उनसे बड़ा है, तो आप रुई कम कर लें। अब हम यहाँ पे इसको
इस तरीके से लपेटते हैं धागे को, इस प्रकार से हल्का सा गैप रखते हुए फिर से लपेटेंगे, और यहाँ पे दूसरी साइड का जो धागा है हमारा उसको भी हम इस प्रकार से लपेट देते हैं, बराबर गैप रखते हुए कटिंग करेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने ये तीन पोटली बटन आपको बना के दिखाए हैं। अब मैं आपको एक डोरी वाला पोटली बटन बना के दिखाता हूँ, जिसमें पाइपिंग वाला बोलते हैं जिसको, जब हम डोरी लगाते हैं तो वो बटन हमारा इस तरीके से नज़र आता है जैसे हमारा पाइपिंग वाला पोटली बटन हो। तो डोरी वाले पाइपिंग वाले पोटली बटन के लिए इस प्रकार से हम कपड़ा ये लेंगे, रुई, रुई को फिर से इसी तरीके से हम फोल्ड करेंगे, यहाँ पे जब हमारी ये रुई गोल हो जाती है हम देखते हैं कि पोटली बटन हमारा बड़ा तो नहीं है, अगर बड़ा हो तो इस प्रकार आप ये रुई निकाल लें और इस तरीके से गोल करते हुए यहाँ पे एक हिस्से में रखेंगे इसको इस तरीके से, और सेम जैसे मैंने नॉर्मल ये पोटली बटन, तीन पोटली बटन बना के दिखाए हैं, सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे भी धागा लपेटेंगे इस तरीके से। इस प्रकार जब हम धागा लपेटेंगे तो हल्का सा गैप रखते हुए इस बार धागे को सिंगल तोड़ेंगे ऐसे। अब हम जो हमने डोरी बनाई हुई है वो डोरी लेंगे और यहाँ पे इसको इस प्रकार से रखेंगे इस तरीके से, अच्छे से इस प्रकार से सेट करते हुए, और जो हमारे पास धागा है उसको हम फिर से यहाँ पे इस तरीके से लपेटते हैं। धागे का कलर हमारा जो हमारी डोरी है वही होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हल्का हल्का गैप रखते हुए इस प्रकार से यहाँ धागा हम अच्छे से सेट कर लेते हैं और यहाँ पे धागे को हम कटिंग कर देंगे। इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये डोरी वाला पोटली बटन जो पाइपिंग वाला बोलते हैं वो तैयार हो चुका है। आप इसको किसी भी साइड से अटैच कर सकते हैं। इसी प्रकार से मैं आपको एक पोटली बटन और बना के दिखाऊंगा। यहाँ पे हमने इस तरीके से रुई लेनी है, रुई इस प्रकार फोल्ड करते हुए हम इसको हल्का हल्का गोल कर लेते हैं। जब ये हमारी पूरी गोलाई में आ जाती है तब हम किसी कपड़े के इस प्रकार से हल्का सा सेंटर करते हुए यहाँ पे इस तरीके से, जैसे हमारी दोनों साइड यहाँ पे मार्जिन होना चाहिए तकरीबन 1 से 1.25 इंच या 1.5 इंच का, फिर इस को हम अंदर की साइड डालते हुए आगे की साइड जो हमारी बाहर वाली सीधी साइड होती है यहाँ पे हम गोलाई डाल देते हैं जितना हमारी अंदर की साइड रुई है। अब हम यहाँ पे एक धागा लेंगे, धागे को इस प्रकार से लपेट लेते हैं, हल्का सा गैप डालते हुए फिर से लपेटेंगे। अब हम यहाँ पे डोरी लेंगे, डोरी को इस प्रकार से रखेंगे और यहाँ पे हम अच्छे से इसको सेट करेंगे इस तरीके से, जो देखने में हमें ऐसे लगे जैसे हमने पाइपिंग निकाली हुई है, और यहाँ पे हम फिर से इसको इस तरीके से टाइट करते हैं और इस प्रकार से हल्का सा गैप रखते हुए धागे को अच्छे से लपेट देंगे इस तरीके से। अब हल्का गैप रखते हुए इस तरीके से कट करते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे आपको नॉर्मल पोटली बटन और पाइपिंग वाले पोटली बटन बना के दिखाए हैं, और ये हमने डोरी भी आपको यहाँ पे बना के दिखाई है। दोस्तों अगर ये पोटली बटन का आइडिया आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर व लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।